अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जूफिस कुकिंग में। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ व्रत में खाई जाने वाली एक रेसिपी जिसका नाम है आलू का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू, जिनको मैंने पहले से ही उबाल कर छील के रखा हुआ है। उसके बाद हमने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट, 20 किशमिश, 20 काजू जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है, 20 बादाम इसको भी मैंने कट कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए 1 कप चीनी या 150 ग्राम चीनी भी ले सकते हैं, या चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 150 ग्राम देसी घी, घी की क्वांटिटी इसमें ज्यादा ही रखते हैं, और 2 चुटकी चाहिए हमें इलायची पाउडर। अब सबसे पहले एक फोक की मदद से आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। या आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, और बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें इसे मैश करना है। इसमें मोटे आलू बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। चलिए अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन करके मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। अब इसके अंदर पहले आधा घी डालेंगे, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट जो हमने काट के रखे हुए हैं, और हमें ड्राई फ्रूट को घी में हल्का सा सुनहरी कलर आने तक भूनना है। एकदम से तेज आंच ना करें वरना ये एकदम से सुनहरी हो जाएंगे, तो मीडियम आंच पर ही घी में ड्राई फ्रूट को भून लें। ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो गए हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और चलिए इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट को फ्राई करके हमने निकाल लिया है। अब फिर से गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और बचा हुआ सारा घी हम इसके अंदर डाल देंगे, और साथ ही हम इसमें डालेंगे मैश किए हुए आलू। अब आलू डालने के बाद हम इसे चलाते हुए 10 से 15 मिनट के लिए घी में आलूओं को भूनना है। ध्यान रखें जब आप आलूओं को भूनें तो लगातार चलाते रहें। आलू को घी के साथ भूनते हुए टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। आलू का हलवा बनाना वैसे तो बहुत आसान है, बस इसमें एक ये मेहनत जरूर लगती है कि इसे चलाते हुए 10 मिनट तक या अच्छी तरीके से भूनना होता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, और साथ ही हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब फिर से लगातार चलाते हुए हमें इसे 10 से 12 मिनट के लिए और पकाना है। चीनी डालने के बाद लगातार चलाते हुए हमें हलवे को भूनते हुए 10 मिनट और हो चुके हैं, और आप ये देख सकते हैं साइडों में इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। बस हमारा हलवा लगभग तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने पहले घी में फ्राई करे थे, और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये थी हमारी व्रत के लिए आलू के हलवे की रेसिपी। आप इसे व्रत में बनाकर जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है ये। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।